मैथमेटिक्स नमस्ते दोस्तों, वैदिक मैथ के इस अनोखे अध्ययन में आप सभी का हम सही दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, वैदिक मैथ्स में हम आज एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सब्सट्रैक्शन। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन के रेगुलर मेथड और वैदिक मैथ की मेथड में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल रेगुलर मेथड का 7805-563, ये एग्जाम्पल अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारे राइट हैंड से स्टार्ट करते समय हम हमारे लेफ्ट हैंड तक आंसर लिखते जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वैदिक मैथ में या अगर यही एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है 7805-563, तो दोस्तों इस वैदिक मैथ में एक सूत्र दिया हुआ है। सबसे पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। दोस्तों, एकाधिकेन पूर्वेन इसका मतलब होता है कि लास्ट यानी कि 7 से हमें स्टार्ट करके यह आंसर लिखते जाना है, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हमें राइट हैंड तक ये एग्जांपल सॉल्व करना है। वैदिक मैथ में और रेगुलर मैथ में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस के बारे में आज हमने जानकारी ली है। आइए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। ऑलरेडी सब्सट्रैक्शन ये एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मैथमेटिक्स नमस्ते दोस्तों, वैदिक मैथ के इस अनोखे अध्ययन में आप सभी का हम सही दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने बेस नंबर और नियर अबाउट बेस नंबर ये दोनों का सही तरीके से हमने स्टडी कर लिया है, और रेगुलर मैथमेटिक्स और वैदिक मैथ में क्या डिफरेंस है, जो भी हमें सब्सट्रैक्शन के और सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं इसके बारे में भी हमने जानकारी ली। दोस्तों, हम सब्सट्रैक्शन की आज कंडीशन फर्स्ट के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सब्सट्रैक्शन की कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट क्या है, तो ये है एनी डिजिट नंबर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम बेस नंबर, यानी कि अगर कोई भी नंबर हमें बेस नंबर से सब्सट्रैक्ट करना हो तो क्या करना है। इसीलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है दोस्तों 1000-348। अगर यह एग्जांपल हमें वैदिक मैथ्स के सिस्टम से सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक रूल है जो कि हमें ऑल सब्सट्रैक्शन में अप्लाई करना है। हमारा रूल है दोस्तों, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। फिर से एक बार, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी कि सबसे पहले 3 और 4 ये दोनों नंबर हमें 9 इस नंबर से माइनस करने हैं, और ओनली लास्ट डिजिट जो होता है 8 वो हमें 10 से माइनस करना है। इसका मतलब है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो सबसे पहले नंबर जो भी है वो हम अब 9 से लेस करेंगे, जैसे कि 9-3 = 6, 6 यहाँ पे हमने लिख दिया। सेकंड स्टेप 9-4 = 5, यह 5 भी हमने यहाँ पे लिख दिया, और लास्ट फ्रॉम 10 है इसलिए 10-8 = 2 आता है, यह 2 हमने लास्ट नंबर पे लिख दिया है। दोस्तों, इस तरह ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम टेक्निक की जो रूल्स है वो यहाँ पे हमने अप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलता है 652। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वैदिक मैथ में टेक्निक है जो कि हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, तो दोस्तों आगे चल के हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और आते हैं इस प्रैक्टिस के बाद। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस के बाद मैं आपको 100% कहता हूँ कि आपका मैथ्स सॉल्व करने का जो स्पीड है वो 100% बढ़ सकता है। दोस्तों, तो आइए नए टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे नई तकनीक।
एक मैथमेटिक्स। नमस्ते दोस्तों, वैदिक मैथ के इस अनोखे अध्ययन में आप सभी का हम सही दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम सब्सट्रैक्शन यह महत्वपूर्ण टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने सब्सट्रैक्शन की कंडीशन फर्स्ट के बारे में जानकारी ली, लेकिन दोस्तों आज हम कंडीशन सेकंड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं या स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक कंडीशन सेकंड क्या होती है। सब्सट्रैक्शन में कंडीशन सेकंड, एनी डिजिट्स नंबर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम नियर अबाउट बेस नंबर। दोस्तों, इसके पहले जो भी कंडीशन हमने देखी है वो कंडीशन थी एनी डिजिट नंबर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम बेस नंबर, लेकिन अब कंडीशन सेकंड में हम एनी डिजिट नंबर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम नियर अबाउट बेस नंबर, यानी कि कोई भी नंबर अगर नियर अबाउट बेस नंबर से सब्सट्रैक्ट करना हो तो क्या करना है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 5000 - 348। जैसे कि ये एग्जांपल अगर वैदिक मैथ्स के मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो एक रूल जो पहले ही हमने आपको बता दिया है, रूल है दोस्तों ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो दोस्तों ये रूल हर एक सब्सट्रैक्शन के टॉपिक में या कंडीशन में हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं ये रूल्स क्या है। ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10 की पहले ही हमने जानकारी ली है। ऑल फ्रॉम 9 इसका मतलब ये है कि पहले 3 और 4 ये दोनों नंबर 9 इस नंबर से हमें सब्सट्रैक्ट करना है, और ओनली लास्ट डिजिट जो है 10 वो हमें 8 से सब्सट्रैक्ट करना है। तो दोस्तों 9 - 3 = 6, 6 यहाँ पे हमने लिख दिया। सेकंड है दोस्तों 9 - 4 = 5, 5 भी हमने यहाँ पे लिख दिया। लास्ट फ्रॉम 10 है इसलिए दोस्तों 10 - 8 = 2 यहाँ पे हमने लिख दिया। लेकिन कंडीशन सेकंड में जिस नंबर से हम 348 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो नंबर नियर अबाउट बेस नंबर है, और इस नंबर की स्टार्टिंग 5 से हो रही है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक चेंज होने वाला है। और ये चेंज ऐसे है कि पहले का जो भी 5 नंबर है, यह 5 नंबर हमें इसमें से 1 माइनस करके 4 नीचे आंसर में लिखना है। फिर से एक बार देखिएगा जो नियर अबाउट बेस नंबर 5 है, इस 5 नंबर से हमें 1 माइनस करके 4 यहाँ पे आंसर में लिख देना है। ऐसे हमारा आंसर 4652, ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट और लॉजिकल टॉपिक के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक्निक हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।